समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयान के कारण चर्चा में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को आतंकवादी बताया है और इसके अलावा उनके कपड़े पर भी सपा नेता ने बयान दिया है। ये साधु है, ये संत है, बेवा वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या गिरा, लेकिन तुम्हारी असली आगे आ गई, तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से हिंदू हरकत तुमने किया। यूपी के गाजीपुर में सदर कोतवाली इलाके में छावनी लाइन में बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्म की आड़ में किसी को नीच नहीं कहा जा सकता। धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की पढ़ाई लेकर आप किसी को अधर्म नहीं कह सकते, धर्म की पढ़ाई लेकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते, धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने, मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य के वार पर पलटवार होना भी लाजमी है, लिहाजा हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने मौर्य के बयान की निंदा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रकार से बार बार सनातन धर्मी संतों पे और हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, यह अत्यंत निंदनीय है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। अगर इसी तरह से जिस प्रकार से रामचरितमानस में संशोधन की बात कर रहे हैं, टिप्पणी उठा रहे हैं, संतों पे उठा रहे हैं, उसी प्रकार से अगर जो इनकी इतने वो है साहसी है तो कुरान पे बोल करके दिखाएं और धर्मों पे बोल करके दिखाएं, निश्चित रूप से सरकलम हो जाएगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कई मुद्दों को लेकर विवादित बयान पहले भी दे चुके हैं।